मुंबईरे अनुषित होइछि निवेशक सम्मेलनी जेउथरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पाखापाखि 200 रु अधिक विभिन्न कंपानी सीओ सहित साक्षात करछन्ते। ओडिशारे पूंजी निवेश पई सरकार समस्त सुविधा जोगाई देबे। देश विदेश प्रतिष्ठित कंपानी मुख्य निवेशकक सह मुख्यमंत्री टीम आलोचना करछन्ते। आज सकाळे कुमार बिर्लांगु भेटछन्ते मुख्यमंत्री। आ सहित निपन स्टील पार्ले आदि बड़ बड़ कंपानी सीओ को भेटिछन्ते। ओडिशा उत्कर्ष मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 के लिए वो जनवरी 28 एंड 29 में हम और सबको हमने इनवाइट कर रहे हैं। वो हमारा सेकेंड इनवाइट हम मुंबई में कल से आज तक कर चुके हैं। पहले हमने दिल्ली में भी कर रहे थे और अगले दिन में भी जैसे बंगलोर, हैदराबाद और सिंगापुर, यूरोप जैसे एब्रॉड में भी हमने करने जा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है इस साल की हमने 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उड़ीसा को, क्योंकि हमारा उड़ीसा स्टेट में अभी इतना अपॉर्चुनिटी हमने दे रहे हैं और भी है, जैसे हमारा नेचुरल मिनरल्स के साथ साथ कोस्ट लाइन है, पोर्ट है और सारी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अभी खड़ा कर दिए। और हमारा जीडीपी भी इतना ग्रोथ बढ़ रहा है कि हम सबसे आगे है, उड़ीसा आगे है सबसे इंडिया में 8.5 के तरफ से अभी जा रहा है। इसी आधार पर हमने सबको इनवाइट किए हैं और भी हमको अभी जैसे आपने इतना भीड़ देखा, लोग और भी चाहते हैं। अभी भी एक उद्योगपति वहाँ खड़ा होते मेरे को अनुरोध करा कि मैं थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि निश्चित रूप से हम इसी जो गोल पर जा रहा हूँ निश्चित रूप से हमको अचीवमेंट मिलेगा और उड़ीसा एक इंडस्ट्रियल हब होगा। ये इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाने हम जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। इसलिए आज मुंबई आते हुए 2 दिन के हमारा दौरान पर और भी इंडिया केम 2024 का हमारा जेपी नड्डा जी कल आए थे, उनका भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था इसे केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो तीनों स्टेट को लेते हुए वो अच्छा ढंग से हमको वो यूनाइटेड किए कि जैसा हमारा मध्य प्रदेश और उड़ीसा और उनके साथ साथ गुजरात को लेते हुए, जैसे गुजरात में बहुत ज़्यादा पोर्ट है, पोर्ट बेस इंडस्ट्री अभी आ रहा है, इसे उड़ीसा में बहुत सारे पोर्ट है और पोर्ट बेस इंडस्ट्री चलने के लिए। तो केमिकल्स पेट्रोकेमिकल के साथ जो सारी इंडस्ट्री आने के लिए, जैसे आप अभी हमने जो कॉन्क्लेव कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के साथ जॉब क्रिएट करेंगे। वो तो हमने बता दिए, अभी आपने देखे होंगे जैसे इतना हमने फैसिलिटीज देने के लिए अपॉर्चुनिटी हमने रखे हैं, निश्चित रूप से अदर स्टेट से ज़्यादा हमने ही फैसिलिटी दिए हैं, इसलिए सबका आना शुरू हो गया और निश्चित रूप से हम अचीवमेंट करेंगे। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।